सीआईए वन पुलिस ने करनाल के कोहंज के पास से एक आरोपित को काबू किया है, जिसके पास से 8 देसी पिस्तौल मिली है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपित मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर हरियाणा व उत्तर प्रदेश में सप्लाई करता था। यह आरोपित मूल रूप से बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियारों के जखीरे के साथ करनाल के कोहंड के पास खड़ा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपित से खुलासा हुआ है कि आरोपी जेल में बंद था, जिसके दौरान उसकी किसी अन्य व्यक्ति से जान पहचान हो गई, जो हथियारों को खरीदने व बेचने का काम करता था। बाद में बाहर आने के बाद यह आरोपी भी हथियार सप्लाई करने लग गया। फिलहाल इसके पास से 8 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और इसको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। इस दौरान इससे अन्य मामलों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी, इसके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं और इसने कहां कहां पर हथियार सप्लाई किए हैं। गरुंडा अनाज मंडी के पास मौजूद थे। मुखबर ने बताया कि एक अवैध हथियार सप्लायर, जो कि काफी पहले भी कर चुका है, वो कोण पुल के आसपास खड़ा है। आज भी कहीं जाने के इंतजार में, अगर तुरंत पहुंचा जाए तो उसको काबू कर सकते हैं। तो हम जैसे ही वहां पहुंचे तो उसको साथियों के साथ काबू कर लिया। उसके जब बैग की तलाशी ली तो उसमें काफी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिनमें ऊपर वाली जेब थी जो बैग की, उसमें से 8 जिंदा रोंद भी बरामद हुए। जो उससे पूछताछ की गई काफी, तो उसने बताया कि एक मैं 2 साल से मैं जेल में था, पानीपत जेल में। तो वहाँ एक आरिफ नाम का कैराना का भी जेल में था, तो उससे उसकी दोस्ती हो गई। तो उसने उसके एक एमपी का सप्लायर है, जो काफी मात्रा में पहले भी सप्लाई कर चुका है, तो उससे उसके संबंध हो गए। तो उसके बाद इसने अपने सीधे संपर्क उससे कर लिए। तो अब आज भी ये वहीं से हथियार लाया था, तो जिसकी हमें सूचना मिल गई थी, तो इसको काबू कर। तो कौन कौन से सर हथियार हैं और कितने हथियार बरामद किए गए? 5 असले तो 32 बोर के हैं पिस्तौल, और एक है 9 mm की पिस्तौल, और एक रिवॉल्वर है 32 बोर की, और एक देसी कट्टा। 8 हथियार हैं और 8 जिंदा रोंद। तो क्या कार्रवाई की गई है सर? इसको 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इसने जहां जहां सप्लाई करने थे और जहां से ये लेकर आया है, उसके बारे में छानबीन की। रहने वाला पश्चिम बंगाल का है जी? रहने वाला पश्चिम बंगाल का है, मूल निवास। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।